ऑल राइट फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने जेंगो के जर्नी को। जेंगो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फंडामेंटल्स ऑफ वेब डेवलपमेंट के थोड़ा सा बारे में। तो वेब डेवलपमेंट के दो एस्पेक्ट्स हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में क्या होता है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जितनी भी आपको वेबसाइट्स की स्क्रीन्स वगैरह दिखती हैं, जो आपको बटन्स दिखते हैं, जो भी आपको टेक्स्ट दिखता है, इमेजेस दिखती हैं, वो सारा हमारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आता है। बैक एंड डेवलपमेंट में जो भी बैक एंड प्रोसेसेस काम होते हैं, बेसिकली किसी भी वेबसाइट का जो भी लॉजिक होता है, वो हमारा वेब डेवलपमेंट का बैक एंड कहलाता है। तो इन दोनों को काम करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं। फ्रंट एंड के भी फ्रेमवर्क्स हैं हमारे पास और बैक एंड के भी फ्रेमवर्क्स हैं। लेकिन एक मिनट, ये फ्रेमवर्क्स क्या होता है? फ्रेमवर्क का मतलब कि इन्हीं काम को करने का एक स्ट्रक्चर्ड वे को हम फ्रेमवर्क कहते हैं। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट की अगर बात करें तो रिएक्ट, एंगुलर एंड व्यू, ये कुछ कुछ फेमस फ्रेमवर्क्स हैं। इनका यूज़ करके आप लोग फ्रंट एंड यानी कि स्क्रीन्स यानी कि यूआई आप बना सकते हैं। और ये हमारे पास कुछ बैक एंड है, लारावेल, जेंगो एंड नोड जेएस। इनका यूज़ करके आप लोग किसी वेबसाइट का एक लॉजिक लिख सकते हैं और उसको अपनी वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं। तो इस वीडियो सीरीज से हम लोग स्टार्ट करेंगे जेंगो को। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।